सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। इन दिनों पूरी दुनिया के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है, और ये लगातार दूसरी अच्छी खबर। इसराइल के बाद अब इटली ने भी दावा कर दिया है कि उन्होंने कोरोना वायरस को खत्म करने वाला टीका तैयार कर लिया है। जी हाँ, दुनिया में कोरोना का एक और टीका तैयार हो गया है। इटली के वैज्ञानिकों ने कोरोना को खत्म करने वाले टीके की खोज कर ली है। वैज्ञानिकों का दावा है कि नया टीका कोरोना को मानव शरीर में ही खत्म कर सकता है। बता दें कि हाल ही में इसराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट का दावा है कि उनके देश ने कोरोना को मात देने वाला वैक्सीन ढूंढ लिया है। इटालियन न्यूज़ एजेंसी की माने तो इटली के वैज्ञानिकों ने नए टीके को रोम के स्पॉलनजानी अस्पताल में टेस्ट किया है। एक चूहे पर इस टीके की जांच ने चमत्कारिक रिजल्ट दिए। टीका लगाने के बाद संक्रमित चूहे के भीतर कोरोना पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया गया। टीका तैयार करने वाली संस्था टाकिस के CEO ने कहा कि नया टीका मानव शरीर के भीतर ही कोरोना को खत्म कर सकता है। हम जल्दी ही इसके ह्यूमन टेस्ट शुरू कर देंगे। स्पॉलनजानी अस्पताल के अनुसार ये पहली बार है जब कोरोना को मानव शरीर के भीतर ही न्यूट्रलाइज किया जाने वाला फॉर्मूला मिल पाया है। हमने चूहों पर इसके टेस्ट किए हैं और उसके टीके को सफल पाया है। सिर्फ एक टीका लगाते ही कोरोना संक्रमित चूहे के भीतर एंटीबॉडी तैयार हो गए, जिससे वायरस को फैलने से पूरी तरह रोक दिया गया। लुगी और इस चीजों का कहना है कि हम जल्द ही इसके टीके इटली और दुनिया के अन्य देशों के साथ साझा करने में सफल होंगे। बता दें कि इस वक्त इटली में कोरोना के संक्रमण में खासी कमी आई है, नए मामले बेहद कम है। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि इटली जल्द ही अपने यहाँ लागू लॉकडाउन को हटाना शुरू कर सकता है। लेकिन सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि इसराइल इससे पहले ये दावा कर चुका है, लेकिन अभी इन दावों का सच्चा रिजल्ट आना बाकी है, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या कोरोना का टीका वाकई में तैयार हो चुका है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।